कोरोना महामारी के समय में जब गुजरात का पसंदीदा त्योहार आने वाला है, तब नवरात्रि के आयोजन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। तब आज उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की ओर से नवरात्र में गरबा आयोजन पर एक और बयान सामने आया, जिसमें राज्य सरकार शेरी गरबा आयोजन पर विचार कर रही होने की बात जानने को मिली है। शेरी गरबा में करीबन 200 लोगों को गरबा की शर्तीय मंजूरी दी जा सकती है। जी हां, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का ये बयान सामने आया है, जिसमें केंद्र सरकार की अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत ये रियायत मिलने के आसार है। हालांकि पार्टी प्लॉट और बड़े मैदानों में जो गरबा आयोजन हो रहे थे, उनको मंजूरी नहीं मिल पाएगी। एक और डॉक्टर कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते नवरात्रि के आयोजन रद्द करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं युवा वर्ग में गरबा खेले जाने की ओर झुकाव ज़्यादा देखा जा रहा है। तब उप मुख्यमंत्री के आज के बयान से गरबा प्रेमियों को कुछ आस ज़रूर जगी है, पर इतना तो तय है कि इस साल पार्टी प्लॉट और बड़े मैदानों में गरबा आयोजन की कोई गुंजाइश नहीं है। नवरात्रि में पर मुख्यमंत्री श्री पर जाहिरात कर दी थी कि गुजरात राज्यना जे सत्तावार रीते राज्यनो गरबा महोत्सव यूनिवर्सिटी मैदान अमदावाद में योजाई छे, जेमां लाखों नागरिकों दर वर्षे भाईओ बहनों दीकरा दीकरीओ ये गरबा रमवा आवता हता, ये गरबा रद्द करवानो राज्य सरकार से जाहेरात अगाउ करी दीधी छे। त्यार पछी मोटा गरबा जे खानगी रीते योजवामां आवे छे, प्रोफेशनली व्यावसायिक रीते योजवामां आवे छे, ये पण नहीं योजवा देवा एवो पण निर्णय अत्यारे तो करवामां आव्यो छे। हमणां ज भारत सरकारनी नवी अनलॉक 5 गाइडलाइन जाहिर थी है, यहाँ जे भारत सरकारे 200 व्यक्ति सुधी ना कार्यक्रमों कोईपण प्रकार ना हो करी सकाय एवी जे मंजूरी आपी छे, अने सोशल डिस्टन्सनु पालन करवानु ये जवाबदारी राज्य सरकार उपर जारे छोड़ी छे, त्यारे हवे खुला मैदानों में हॉलों में केवी रीतना कया कार्यक्रमों करवा माटेनी मंजूरी आपी એનો અભ્યાસ રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે, સમય આવે એની જાહેરાત કરવામાં આવશે।